जुमा की फजीलत में ये भी फजीलत है कि जुमा के दिन अगर किसी की वफ़ात होती है तो उसके लिए अल्लाह के पास एक ख़ास वादा है। वो क्या है, आइए देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमाती औ लैलतल जुमाती इल्ला वक़ाहुल्लाहु तआला फितनतल क़ब्र। इमाम अहमद और तिर्मिदी ने इसको रिवायत किया है और सहल जाम सगीर में शेख अलबानी ने इसको हसन कहा है। मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमा औ लैलतल जुमा, जो भी मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में मरता है उसकी मौत जुमा के दिन या जुमा की रात में होती है। ये कब होता है इसको अच्छी तरह से समझ लें कि जुमा का दिन पहले या रात? पहले तो दिन का नाम आया ना। जुमा का दिन कौन सा? जुमा की नमाज जिसमें पढ़ी जाती है वो क्या है? जुमा का दिन। और जुमा की रात जुमा की नमाज के बाद आती है या पहले? पहले आती है। जुमा की रात पहले, वरना आदमी बोलेगा सोचेगा कि जुमा का दिन जुमा की नमाज पढ़ ली उसके बाद आने वाली रात जुमा की है। नहीं, वो शनिचर की रात है। क्यों? इसलिए कि दिन बदलता है कब? मगरिब के बाद। ये बताइए, रोज़ा पहले आता कि तरावी? तरावी। और तरावी रमज़ान में पढ़ी जाती है या रमज़ान से पहले? रमज़ान में। तो मालूम ये हुआ कि पहले तरावी आती है फिर अगले दिन रोज़ा आता है, इसलिए कि जैसे ही मगरिब हो गई रात आई दिन बदल गया रमज़ान शुरू हो गया। तो रात पहली तरावी पहले रोज़े से पहले होती है, तो दिन से पहले रात आती है और रात ही से हमारा नई तारीख शुरू हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा की रात जुमा के दिन या जुमा की रात में जिसकी मौत हो जाए, इल्ला वक़ाहुल्लाहु तआला फितनतल क़ब्र, अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज कर देता है। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। उसकी मौत कब हुई? जुमा की रात में या जुमा के दिन में। सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी अगर उसकी मौत हो जाए जुमा की तो उसके लिए फजीलत क्या है? अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। कब्र में क्या क्या है? कब्र में तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, कब्र का दबोचना, हर एक के साथ होता है वो। कब्र जो है क्या करती है? दबाती है। दो, कब्र में सवालात होते हैं, मुनकर नकीर आते हैं और सवाल पूछते हैं। तीन, कब्र में अजाब होता है। तो ये तीन चीज़ें कब्र में होती हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि तीनों चीज़ें मुराद हैं, इसलिए कि इसमें इतलाक़ है। फितना कब्र का जो भी है अल्लाह उससे महफूज रखता है। बाज़ उलमा ने कहा कि इससे मुराद कब्र का अजाब है। बाज़ उलमा ने क्या कहा? कब्र का अजाब है। जो भी हो, तीनों भी क्या मामलात हैं, ख़तरे से खाली नहीं है। लिहाजा आदमी अगर तीनों में से किसी एक से बचे या तीनों से बच जाए तो भी उसके लिए गनीमत है। तो जो आदमी जुमा के दिन या जुमा की रात में उसकी मौत होती है उसको अल्लाह ताला